प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकास का एक्सप्रेसवे साबित होगा और रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने दशकों में वो दिन भी देखा है जब बुंदेलखंड के नाम पर किसानों के नाम पर हजारों करोड़ों के पैकेज घोषित होते थे, लेकिन किसान की जेब तक कुछ नहीं पहुंचता था। अब उन दिनों को हम पीछे छोड़ चुके हैं। दिल्ली से निकलने वाली पाई पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा एक वर्ष में देश के करीब 8.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 50,000 करोड़ से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। चित्रकूट सहित पूरे यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में भी करीब 12,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक वर्ष में, वो भी सीधे बैंक खाते में, बिना बिचौलियों के, बिना किसी भेदभाव के। पीएम मोदी ने कहा कि किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो एफपीओ के माध्यम से व्यापार भी करेगा। अब किसान फसल भी बोएगा और कुशल व्यापारी की तरह मोल भाव करके अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त करेगा। मुझे याद है कि एक वर्ष पहले जब इस योजना को लॉन्च किया गया था, को किस तरह की आशंकाएं पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतने कम समय में देश के करीब 8.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेस वे यहाँ रोजगार के कई अवसर लाएगा। इस धरती ने भारतीयों में मर्यादा के नए संस्कार गढ़े हैं। प्रभु श्री राम आदिवासियों से वन्य प्रदेश में रहने वालों से कैसे प्रभावित हुए थे, इसकी कथाएं अनंत है। भारत रत्न नानाजी देशमुख ने यहीं से भारत को स्वावलंबन के रास्ते पर ले जाने का व्यापक प्रयास शुरू किया था। 2 दिन पहले ही नानाजी को उनकी पुण्यतिथि पर देश ने याद किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़ आज आपको देखकर आपके इस सेवक को कुछ कुछ ऐसी ही अनुभूति हो रही है। साथियों, यूपी के किसानों को, व्यापारियों, उद्यमियों का तेज विकास यहां की कनेक्टिविटी पर भी निर्भर है। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार एक प्रकार से एक्सप्रेस गति से काम कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, या फिर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे, ये यूपी में कनेक्टिविटी तो बढ़ाएंगे ही, रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार करने वाले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।